अनिल बाबू अनीता जी के मौत के बाद फिर से गांव में अपने घर में लौट आए। बचपन से शहर में पले बड़े अनिल बाबू अपने काम के सिलसिले में रामपुर गांव से आने जाने के समय उनको ये गांव बहुत अच्छा लगा था, इसलिए रिटायरमेंट के बाद यहां एक जमीन खरीदकर घर बनाए थे। उसके साथ साथ एक तालाब और एक बगीचा भी था। उन्होंने सोचा था बाकी जिंदगी यहीं पर शांति से बिताएंगे, लेकिन गांव के इतने शांति के बीच में भी कितने अशांति छिपे रहते हैं वो एक बार भी सोच के नहीं देखा, खासकर बुरे वक्त पर। एक दिन शाम के वक्त अनिल बाबू की पत्नी अनीता जी को तेज बुखार आया। घर पर रखा हुआ दवाई खाने पर भी कुछ असर नहीं हुआ। उस वक्त आसमान काले बादलों से ढके हुए थे और तेज तूफान चल रहा था। बस गांव में तूफान आने से जो होता है वही हुआ। बिजली चली गई, मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है, रास्ते बिल्कुल सुनसान, बाहर कोई भी नहीं है, करने पर भी किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तूफान रुकने के बाद बारिश शुरू हुई। यहाँ से दवाई का दुकान 5 किमी की दूरी पर है, वहाँ जाकर दवा और एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ। अनिल बाबू के घर में एम्बुलेंस आते आते 1.5-2 घंटे लग गए। फिर अनीता जी को लेकर शहर के अस्पताल में ले जाने के लिए रवाना हुए और अस्पताल पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। अस्पताल में आने में बहुत देर हो गया, इसलिए अनीता जी को नहीं बचाया गया। डॉक्टर ने कहा उनके ब्रेन में एक विशेष प्रकार के इन्फेक्शन हो गया था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अनिल बाबू कुछ दिनों तक शहर के घर में रह रहे थे। उनके सभी रिश्तेदारों ने गांव के घर को बेचकर हमेशा के लिए शहर के घर में रहने के लिए बोला था, लेकिन अनिल बाबू का मन गांव के इस घर में पड़ा था। हर वक्त उनको ये महसूस होता कि अनीता जी अभी भी इस घर में है, क्योंकि अनीता जी यहाँ रहना बहुत पसंद करती थी, इसलिए अनिल बाबू यहाँ चले आए। अब उनको ये घर पहले से भी ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन उनको गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पहले से ही वो गांव के किसी से भी बातें नहीं करते थे, सिर्फ ज्यादा जरूरत होने पर ही बात करते, और अब तो वो गांव वाले से बिल्कुल भी बातें नहीं करते। पर सभी गांव वाले बहुत उपकारी और सहानुभूतिशील थे। शहर के बाबू पत्नी की मौत के बाद अंदर से टूट गए हैं। इस बुरे वक्त में हमें उनके पास रहना चाहिए, लेकिन उनके घर में जाने का हिम्मत नहीं होता। हाँ काका, सही बोला तुमने, वो आदमी सबसे अलग है। हर शुक्रवार को रामपुर गांव के कुछ दूरी पर अश्विनी नगर में हाट होता था। अनिल बाबू उस हाट से जरूरत के सामान खरीदने के लिए जाया करते। आमतौर पर गांव के लोग ज्यादा मिलते जुलते स्वभाव के होते हैं। अनिल बाबू बाजार से सामान खरीदकर लौटने के समय उनके पड़ोसी हरि ने पूछा, अरे दादा कैसे है, और आज बाजार में सब्जियों का दाम कैसे है? ऐसा ही। अनिल बाबू ने हरि को नजरअंदाज करके उत्तर ना देने के बराबर ये कहकर चले गए। वाह रे वाह, इतना घमंड। और दूसरी तरफ अनिल बाबू सोचते थे गांव के लोग देहाती है, सबसे बातें करते हैं, जरूरत से ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, इन लोगों के साथ वो क्या बात करेंगे। इसलिए अनिल बाबू दिन भर अकेला अपने घर में रहते, किसी से भी बातें नहीं करते, किसी के घर में भी नहीं जाते। पत्नी के मौत के बाद मानसिक रूप से अनिल बाबू सच में बहुत बदल गए थे। बगीचे के फल सब्जी और तालाब के मछलियाँ सब कुछ अच्छे से देख कर रखते, किसी को एक भी चीज वो खुद नहीं देते और किसी को लेने भी नहीं देते। एक दिन शाम के वक्त एक सूखा नारियल पेड़ से गिरा। उस वक्त गांव का एक लड़का उस रास्ते से जाते समय नारियल को देखकर तवे पाव उस तरफ जाने लगा। जब वो लड़का नारियल को बस लेने ही वाला था, तब अनिल बाबू घर से बाहर आकर जोर से आवाज दिया, हे! तो वो लड़का डर के मारे वहां से भाग गया। एक दिन दोपहर के समय गांव का एक बच्चा डरते हुए बंसी लेकर अनिल बाबू के तालाब में मछली पकड़ने के लिए बैठा। सदा सतर्क अनिल बाबू को ये समझने में देर नहीं हुआ, तो उन्होंने चोरी छिपे तालाब किनारे आकर जोर से आवाज दिया, हे!
और वो लड़का डर के मारे अपना बंसी को वहीं पर छोड़कर वहां से तुरंत भाग गया। अकेला अनिल बाबू रात होने पर बहुत उदास हो जाते। बचपन में स्कूल मैगजीन में कहानियां लिखने का अभ्यास था, अब फिर से वो कहानियां लिखने की कोशिश करते हैं। देर रात तक अनिल बाबू को नींद नहीं आती, उनको सिर्फ अपनी पत्नी अनीता की याद आती है। कितनी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी है इस घर के साथ। अनीता जी को लेकर इस घर में नए तरीके से जीना शुरू किया था। इस घर में आने के बाद अनीता जी भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद ये क्या क्रूर विडंबना है। ओह, इतनी धूप में मैं और चल नहीं पाऊंगी, उस पेड़ के छाए में थोड़ी देर रुकना होगा। ये है रामपुर के पास वाले गांव मोदीपुर के ब्राह्मण दादी, सभी उनको इस नाम से ही जानते हैं। कुछ साल पहले कोरोना में उनके पति और इकलौता बेटा मर गए। बाप बेटा दोनों एक जूट मिल में काम करते थे। अब ये ब्राह्मण दादी अपनी वृद्धावस्था योजना के पैसों से किसी तरह से अपना गुजारा करती है। अभी भी बहुत रास्ता बाकी है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। बेटा, यहाँ आसपास कोई पानी का नल है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पानी का नल कहाँ मिले। दादी माँ, आपको पानी चाहिए। तू गणेश की बेटी है ना? हाँ बेटी, मुझे थोड़ा पीने का पानी दे। यही दादी माँ पहले ब्राह्मण होने के कारण बहुत अहंकार करते थे और गणेश के जैसे गरीब लोगों को नीची जाति बोलते थे। यहाँ तक कि वो इस तरह के गरीब लोगों के पास तक नहीं जाते। लेकिन अब वो दिन नहीं रहा, समय और परिस्थिति के साथ साथ आज वो असहाय है, इसलिए अब गणेश के घर से पानी पीने में कोई आपत्ति नहीं है। उस बच्ची ने पानी ला कर दिया और वो प्यासी दादी माँ पानी पीने लगी। आह शांति। जानती है बेटी, मैं कल से कुछ नहीं खाया, बस पानी पीकर पेट भरा रही हूँ। दफ्तर से पैसे लेने के लिए गई थी, लेकिन दफ्तर बंद है और घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है। हमारे घर में दाल चावल है ना, आप लेंगे? बेटी, तू देगी मुझे? लेकिन तेरी मम्मी पापा काम से लौटकर तुझे डांटेगी ना? नहीं नहीं, क्यों डांटेगी? मम्मी पापा कहते हैं लोगों के मदद करने से भला होती है। अब रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और यहाँ पर अनिल बाबू दूर खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। जिन लोगों को इतने दिनों से वो देहाती अशिक्षित सोचते थे, उन्हीं लोगों के शिक्षा संस्कृति मानसिकता इतने अच्छे, इसलिए सब कुछ देखकर अनिल बाबू दंग रह गए। ब्राह्मण दादी उस बच्ची को बहुत आशीर्वाद करके दाल चावल लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद गणेश और उसकी पत्नी खेत से काम करके लौटने के बाद घर के सामने बेटी के पास बैठे थे। याद आते ही उस बच्ची ने कहा, जानती हो मम्मी, आज ब्राह्मण दादी माँ आई थी, वो दो दिनों से कुछ नहीं खाए और उनके घर में दाल चावल भी नहीं है, इसलिए मैंने हमारे घर में जो दाल चावल रखा था वो सब उनको दे दिया। सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? पर क्या तुम्हें पता है, हमारे घर में भी सिर्फ वही दाल चावल थी। अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज हमें भूखे पेट ही रहना होगा। एक इंसान दो दिनों से भूखे है और उन्हें खिलाने के लिए अगर हमें एक दिन भूखा रहना पड़ता है तो क्या होगा? इस छोटी सी बच्ची ने जो किया वो अनिल बाबू को हैरान कर दिया। उस बच्ची की मम्मी पापा घर लौटकर क्या कहेगा, ये जानने के लिए अनिल बाबू को बहुत कौतूहल हो रहा था, इसलिए वो घर के पीछे छिप कर खड़े थे। अब सब कुछ अपने आँखों से देख कर और सुन कर वो आश्चर्य हो गए। इतने दिनों से सिर्फ मेरा घर, मेरा बगीचा, मेरा तालाब कहने वाला अनिल बाबू ने देखा कि गांव में ऐसे भी लोग हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने के लिए अपने आखिरी संबल को भी खुशी खुशी दे देते हैं। कृषि दफ्तर के प्रक्तन ऑफिसर अनिल बाबू अच्छे से अपना काम करते हैं, परिकल्पना मुताबिक घर बनाते हैं,
बहुत पैसा संपत्ति है उनके पास, लेकिन जीवन का हिसाब बिल्कुल अलग है। यह पुथिगत विद्या से काम नहीं चलता, इसलिए आसानी से ना टूटने वाले कठिन हृदय के अनिल बाबू के आंखों में आंसू आ गए। नहीं, आज वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और हार गए अपने विवेक के पास। फिर उन्होंने गणेश के परिवार को अपने घर में लेकर गए और पेट भरकर खाना खिलाए। और इस घटना के बाद से अनिल बाबू के घर के दरवाजा सभी गाँव वाले के लिए हमेशा खुला रहता। बैंक में खाता खुलने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या फिर कोई जरूरी फॉर्म फिलअप करने के लिए अनिल बाबू ही सबके भरोसा है। हाँ, अब अनिल बाबू शहर के वो घमंडी बाबू नहीं रहे। अब वो अपने बगीचे के फल, सब्जियाँ और तलब के मछलियाँ सब कुछ गांव वालों को देकर फिर वो खुद खाते। और रात में जब अनिल बाबू अकेला हो जाते, तब वो अनीता जी के तस्वीर के सामने खड़े रहते, जैसे कि वो उनको बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते थे। देखो अनीता, मैं नई तरीके से जीना सीखा हूँ। अब सिर्फ यहाँ के प्रकृति नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों से भी प्यार हो गया है। तुम सब कुछ समझ रहे हो ना? मुझे विश्वास है कि तुम भी बहुत खुश हो। असल में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना मनुष्य के स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उस सौंदर्य का आनंद लेना उतना आसान नहीं। उसके लिए हमारे मन को प्रकृति की तरह सहज सरल करना पड़ता है। उससे हमारे विवेक बुद्धि जागृत होती है, बदले में मिलती है चरम सुख और शांति। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू।